दीदी देखो, हेलो कर दो ऑडियंस को। कितनी प्यारी लग रही दीदी तो आज। नमस्ते भैया जी, नमस्ते। शादी होने वाली है ना, आज उनका जन्म हुआ था, तो आज ही के दिन डेट फिक्स हो रही, तो सोचो कितनी अच्छी बात है ना ये चीजें। रोते नहीं। आप लोग भी वेट कर रहे होगे कि डेट रिवील की, तो डेट है गाइस। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, होप करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी छत के ऊपर से, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बिकॉज आज काफ़ी कुछ है मेरे घर में, फंक्शन और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। वैसे तो सबसे पहले आपको हैप्पी क्रिसमस डे, आप सभी को मेरी तरफ से क्रिसमस डे की बहुत बहुत ज़्यादा बधाइयाँ। तो गाइस, आज और भी है उससे ज़्यादा स्पेशल जो कि मेरे घर पे है, 25 दिसंबर। तो मेरी दीदी का आज बर्थडे भी है, दीदी को हमने विशेस वगैरह सारी कुछ कर दी थी। भी मेरे घर पे, मतलब मेरी दीदी की शादी ना, आप लोगों को तो पता ही है, उसकी डेट फिक्स होनी है आज। हमारे में बोलते हैं दिन रखने को आते हैं ना लड़के वाले घर से, तो वो आज आ रहे हैं, तो उसका शगुन जो भी होता है मछली वगैरह लेकर के आते हैं वो, तो वो सब आ गई है। और बाकी काफ़ी सारे मेहमान आ गए नीचे, और काफ़ी सारे आने हैं, तो वो सब आ जाएंगे, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि आज आप लोगों को पता चला है कि मेरी बहन की शादी कब है, जिन जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को, वैसे मैंने बताया नहीं अभी तक, पर मैं मतलब जब फिक्स हो जाएगी तभी मैं आपको रिवील करूंगा, और सारे मेहमानों को दिखाऊंगा जो जो लड़के वाले घर से आएंगे, मतलब पापा जी लोग, अंकल जी लोग, जो जो होंगे, चाचा जी लोग, सबको दिखाऊंगा मैं, और अपने पूरी फैमिली मेम्बर से मिलाऊंगा आज। तो आज के ब्लॉग में यही सब होगा और काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो बने रहे वीडियो बैकग्राउंड में, देखो कितना मस्त आता है मेरा गाँव भाई। तो चलो चलते हैं गाइस, नीचे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं नीचे, और सब्जी वगैरह कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, खाने पीने में व्यवस्था क्या क्या चीज़ें हमने की हैं। तो बस अभी दीदी से भी मिलाता हूँ, और दीदी की क्या कंडीशन, दीदी को कितनी खुशी है इस चीज़ की कि शादी फिक्स हो रही है, डेट फिक्स हो रही है, तो दीदी से भी मिलाता हूँ, मम्मी से भी मिला, सभी लोगों से मिलाऊंगा आपको। तो चलते हैं नीचे पहले, तो भाई सबसे पहले आप वो वाली फोटेज देख लो, मतलब मॉर्निंग वाली, जो दीदी के लिए जो दिन रखने आते हैं ना, तो उस पर जो शगुन देते हैं, मतलब जो मछलियां लेकर के आते हैं, तो वो हम लेने जा रहे थे, तो वो सब आप फोटेज देखो पहले। तो वीडियो कॉलिंग है, यहाँ से मैं अभी मुर्गा उठाऊंगा और मैं अब घर जा रहा हूँ, और उसके बाद में फिर क्या करेंगे, ब्लॉग बना रहे आज ताऊ। तो गाइस अभी बहन के लिए देखो वो पेटी आ गई पूरी भर के, एक बार देखने दिखाने, तो दो ये देखो भाई पूरा सिस्टम आ गया है, तो चलो उठाओ भाई। और बहुत हैवी है, उठ नहीं रही है यार। आज की मछली गाइस दीदी के नाम जिसकी शादी है वही देख रही है भाई, देख लो ससुराल वालों। गाइस आई होप आप लोगों ने वो सब देख लिया होगा, अभी मैं बता देता हूँ कि वो कितनी थी, मतलब 50 kg 50 किलो मछलियाँ आई थी, और बाकी हम लोगों ने चिकन वगैरह अपनी तरफ से काट दिया है। तो अभी मेहमान लोग आएंगे और उनके लिए व्यवस्था हमने बनाई है हमारे वाले रूम पे, जहाँ पर मैं हमेशा ब्लॉग बनाता हूँ। तो ये है वो, और दीदी देखो जिनका डेट फिक्स हो रहा है वो ऐसी बनी हुई है देखो, और आज इनका बर्थडे भी है। और बाकी मैं बता दूँ कि यहाँ पर हम लोगों ने बैठने का बनाया अंदर अंदर, देखो ये देखो अपने ही रूम में भाई बिठा दिया उन्हें। तो चलो बाकी बाहर दिखाता हूँ मैं कौन कौन मेहमान। ऑलमोस्ट सारी कुछ व्यवस्था हो गई है, मतलब बाहर भी बैठने के लिए हम लोगों ने बना दिया, और खाना पीना भी सारा कुछ बन रहा है, तो अभी सब्जी वगैरह बननी ही बाकी है, बाकी बैठने का सब कुछ अरेंजमेंट हो चुका है, बाकी अभी मैं दिखाता हूँ आपको पास से। अरे वाह सोनू देखो भाई, बहुत टेस्टी फूड बनाऊंगा। अरे बना तो लो, पहले आग तो जलाई नहीं तुमने, खाने कुछ बना। इसमें तो मछली मिलती है ना। क्या चीज है, मछली है? ओ भाई ले भाई, और ये तो सर है, ये बहुत बड़े बड़े भाई। चलो सारा क्रेडिट जाता है हमारी मौसी को। मम्मी को देखो, मम्मी अभी रेडी नहीं हुई है, काम ना रहा है। काम ना रहा। मम्मी अभी रेडी नहीं हुई गाइस, बर्तन कोई छोड़ी है, किस लिए? ढकन टाइम। अच्छा के लाओ भाई, क्या व्यवस्था अच्छा। तुम्हारी व्यवस्था पूछ रहे हो, देख लो गाइस व्यवस्था पूछ रहे हो। समझ रहे हो। के बाद मतलब मम्मी को तो आप लोगों ने देख लिया, अभी दीदी को मिलाता हूँ, दीदी रेडी हो गई है, छोटी वाली दीदी थी,
तो अभी दिखाता हूँ दीदी से, मिलाता हूँ। गाइस दीदी रेडी हो गई हैं, मैं दिखाता हूँ, फ्लैश जला दूँ। दीदी इधर देखो, हेलो कर दो ऑडियंस को। कितनी प्यारी लग रही दीदी तो आज। हाँ बहुत बढ़िया लग रही, साड़ी बिल्कुल कलरफुल है ना, तो मज़ा आ रहा है भाई, मस्त है। तो गाइस ऑलमोस्ट सारा कुछ डन है, अभी बस मिलते हैं। एक सब्सक्राइबर आया है, मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। और ये वो भाई हैं, और बहुत बढ़िया हूँ। हाँ सारी वीडियो देखते हो? सारी वीडियो देखता हूँ भाई मैं। ऐसे सब्सक्राइबर चाहिए भाई, लाइक शेयर एंड कमेंट करने वाले, आप लोग भी कर दो गाइस। अभी मेहमान लोग तो आ गए, और अभी मैं मिलाता हूँ सभी को, मतलब दिखाता हूँ आप लोगों को कि कौन कौन आया है। तो गाइस ये हमारे फूफा जी हैं, बरेली रहते हैं, और ये हमारे बड़े वाले फूफा जी हैं। तो हेलो कर दो एक बार, सभी आए। हेलो। अरे आ गए आ गए आ गए, मेहमान आ गए गाइस। ये हमारे ताऊ जी हैं। पानी पिलवा दे। हमारी ताई जी, और जो हमारे में बोलते हैं ना मचपतिया टाइप, जो शादी कराते हैं, जो रिश्ता कराते हैं, तो वो मेरी ताई जी बनी है। हेलो कर दो पहले, तुम पहली बार तो मेरी ऑडियंस को। हेलो गाइस, अभी क्या कर रहे हो तब? देख रहे हैं रिश्तेदार। चलो ठीक, सारे लोगों का डिस्कस हो रहा है, देखो सब लोग शर्मा रहे हैं अभी बाहर जाने में। अभी जो मेन प्रोसेस होता है वो अभी होना है, अभी इनका रीति रिवाज है वो सब होना है, तो मैं भी दिखाता हूँ उसको। थोड़ा जोर से बोलो ना। तो गाइस अभी सारा कुछ अरेंजमेंट तो हो गया है, और अभी मैं बता दूं, मतलब मेन जो आप लोग भी वेट कर रहे होगे कि डेट ट्रेवल की, तो डेट है 12 जनवरी और दिन है बृहस्पतिवार, जनवरी मतलब 2023 में, तो वो डेट है। और आप लोगों को भी अब पता चल गया है, तो अभी मैं बता दूं आपको कि घर में जो भी खाना पीना होना था वो सब कुछ हो चुका है, और अभी एक स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं तो मैं उनसे मिलाऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल ही है, मतलब यूट्यूबर है बेसिकली, मैं आपको बता दूं। तो अभी घर पर आ रहे हैं तो उनसे मैं मिलाऊंगा, और मिलते हैं अभी थोड़ी देर में उनसे मिलेंगे फिर। नमस्ते नमस्ते भैया जी, नमस्ते। चलो चलो, सेम टू यू, आपको भी सेम टू यू। आओ। तो गाइस मैंने आपको बोला था कि कोई स्पेशल पर्सन आ रहे हैं, तो वो ये लोग थे ना, मेरे लिए तो स्पेशल हो ना यार। चलो चलो आओ, आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? अंदर ही शूट कर रहे हैं। और गाइस अब मैं दिखाऊंगा वंशु भाई की जो बड़ी दीदी है, उनसे मिलवाऊंगा। आज बर्थडे भी है भाई। अच्छा बर्थडे? हाँ आज बता। जो मेहमान लोग आए थे वो लोग कभी जा रहे हैं, और बाकी यहाँ पर सभी का खाना पीना चल रहा है, मतलब बाहर भी और अंदर भी। तो अभी दिखाता हूँ वो लोग जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी वंशु भाई मेरे साथ खड़े हैं, ये देखो। और ड्रामे कर रहे हैं, शर्मा नहीं रहे हैं वो, थोड़ा उनको पता है ऐसा था, जब किसी के घर प्रोग्राम होता है ना तो बहुत बिजी हो जाता है और थक जाता है, इसी वजह से वो बोल नहीं पा रहे। मैं आपको बता देता हूँ गाइस, इससे जो वंशु भाई की बड़ी दीदी है, तो उनका आज बर्थडे भी है, तो अभी वो सब कुछ सेलिब्रेशन होना बाकी है, प्लस गाइस केक वेक कटेगा, तो आप इंजॉय करें प्लीज, और वीडियो में गाइस बने रहें। और
आना शादी में, पहले से आना है, सब लोग को आना है, पहले बता दिया, और भाभी को भी आना है, मम्मी पापा सब लोग को आना है, ठीक है, सब लोग आना, आराम से आना, कोई दिक्कत नहीं, शादी में वो अम्मू भाई की जिम्मेदारी है ना, आड़ उठना पहुंचे तब भी आई हो ये खतरनाक बंदा है भाई नेक्स्ट तो चले जाएंगे चलो ठीक है नमस्ते बाय 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 गाइस खुशियों के खातिर सारे जग से लड़ जावा।